हे दोस्तों, साइकोलॉजी और सक्सेस की एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ये बताती है कि 95% चीजें जो भी हम सोचते हैं, फील करते हैं, एक्शंस लेते हैं और अचीव कर पाते हैं, वो और कुछ नहीं बस हमारी हैबिट्स की वजह से होती है। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो आपके बनाए हुए हैबिट्स ही वो मेन फैक्टर होंगे जो ये डिसाइड करेंगे कि आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी या फिर फेलियर। बहुत कम लोग सक्सेसफुल बन पाते हैं क्योंकि बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में ये इंपॉर्टेंट हैबिट्स फॉर्म करते हैं, जिसे वो रिचुअल्स बना के हमेशा फॉलो करते रहते हैं, जो फिर उन्हें इन रिटर्न सक्सेसफुल भी बना देता है। सो आज मैं आप लोगों को सक्सेसफुल लोगों के उन्हीं हैबिट्स में से 5 ऐसे हैबिट्स बताऊंगा जिसे हम भी अपनी खुद की हैबिट बना के ये न्यू ईयर और इनफैक्ट आगे अपनी पूरी लाइफ को बेटर और सक्सेसफुल बना सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। हैबिट नंबर 1, हाई सेल्फ कॉन्सेप्ट। बचपन की बात है, जब मैं एक बार शॉपिंग करने गया था तब एक दुकान के मालिक ने मुझसे एक बात कही थी। उन्होंने वो क्यों कहा था, उनका एग्जैक्ट रीजन क्या था मुझे जरा भी नहीं पता, पर बस वो बात मुझे एकदम अच्छे से याद है, जो ये थी, बेटा यू हैव अ रियली ब्राइट फ्यूचर, तुम अपनी जिंदगी में जरूर बहुत कुछ करोगे। उस टाइम ये बात सुन के मुझे इतना ज्यादा अच्छा फील हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि तब मेरे नन्हे से दिमाग ने उस बात को एकदम सच मान लिया था और तब से ही मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट भी यही बन गया था कि हाँ, मैं पक्का अपनी लाइफ में बहुत कुछ करूंगा। उनकी इस दो लाइन से मैंने तब बहुत से अलग अलग पॉजिटिव मतलब निकाल लिए थे, जिसने मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट एकदम हाई कर दिया था, जो इनफैक्ट आज भी है। जैसे कि मैं जानता हूं कि मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा और बड़ा काम जरूर करूंगा। सिमिलरली ऐसे ही एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ पॉजिटिव और बहुत से नेगेटिव, जो बचपन से अलग अलग चीजों को लेकर हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाते रहते हैं, जिनका इंपैक्ट हमारी लाइफ में कभी कभी जिंदगी भर भी रह जाता है। मान लो अगर हमारा सबकॉन्शियस दिमाग एक कंप्यूटर है तो सेल्फ कॉन्सेप्ट उसका मास्टर प्रोग्राम है, जो ब्रेन के ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा काम करता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट पे हमारे एक्शंस, फीलिंग्स और यहां तक कि हमारे अचीवमेंट्स भी डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ के किसी भी पार्ट में उतना ही अचीव कर सकते हो जितना सेल्फ कॉन्सेप्ट आपके सबकॉन्शियस दिमाग ने उस बारे में बनाया होगा। एग्जाम्पल, समझो पैसों को लेकर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि मैं महीने के 30,000 रुपये ही कमा सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं, तो फिर रियलिटी में भी होगा यही कि आप मैक्सिमम 30,000 ही कमा पाओगे, उससे ज्यादा नहीं। जबकि दूसरी तरफ अगर कभी ऐसा होता है कि आपकी जॉब छूट जाती है और आपको कोई न्यू जॉब करनी पड़ती है कम पैसों में, तो फिर उस टाइम आपका ब्रेन आपको न्यू रास्ते दिखाने लगेगा और मेहनत करवा के वापस 30,000 इनकम तक पहुंचा ही देगा कैसे भी। ऐसे ही अगर एक और पर्सपेक्टिव के एग्जांपल से बताऊं तो, आप कितने भी अच्छे स्पीकर रहो बचपन से, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप स्टेज पे जाके खराब स्पीच दोगे, तो इस सेल्फ कॉन्सेप्ट की वजह से बहुत ज्यादा चांस होंगे कि आप स्टेज पे जाके खराब स्पीच ही दोगे और देते ही रहोगे जब तक आपका ये सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता। क्योंकि फैक्ट ये है कि भले ही आप नेचुरली किसी भी फील्ड में कितना भी अच्छा करने की कैपेबिलिटीज रखते हो, लेकिन अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट ही कम होगा उस चीज को लेकर, तो आप उतना अच्छा कभी नहीं कर पाओगे। इसीलिए हैबिट नंबर 1, हमेशा अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट हाई रखने की कोशिश करो। हैबिट नंबर 2, सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को लेके हमेशा से मुझ में बहुत नेगेटिविटी थी। मे बी शायद क्योंकि स्कूल में मुझे वो जबरदस्ती सिखाया जाता था, या शायद इसीलिए कि मूवीज में मैंने हमेशा यही देखा था कि जो लोग डिसिप्लिन फॉलो करते हैं वो लोग बहुत बुरे और बोरिंग होते हैं, जबकि एक कूल हीरो कभी डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता। लेकिन रियल लाइफ का सच तो ये है कि दुनिया के कुछ सबसे कूल और सक्सेसफुल लोग डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, और ये चीज ही उनके सक्सेस का एक बड़ा रीजन भी होती है। मुझे नहीं पता आप सेल्फ डिसिप्लिन को एग्जैक्टली क्या समझते हो, पर इसका सबसे अच्छा डेफिनेशन अल्बर्ट हबर्ट ने दिया है, जो कि ये है, सेल्फ डिसिप्लिन हमारी एबिलिटी है वो काम को करने की जो हमारे लिए करना जरूरी है, और वो भी सही टाइम पे, फिर चाहे हमारा वो काम करने का जरा भी दिल करे या ना करे, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल, समझो आप डिसाइड करते हो कि कल से आप रोज सुबह 6 बजे उठोगे, तो ये करने के लिए आपको मोटिवेशन से ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत होगी। बिकॉज मोटिवेशन से आप एक दिन उठोगे, 2 दिन उठोगे, या शायद एक हफ्ता उठोगे, बट सेल्फ डिसिप्लिन से आप इस चीज को हमेशा फॉलो कर पाओगे लाइफ टाइम तक, जिसकी वजह से फिर आपका सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन सेल्फ एस्टीम पे बहुत इंपैक्ट करता है। आप एक बार सीरियसली डिसाइड करने के बाद जितने ज्यादा एक्शंस लोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा और आप उतने ही सक्सेसफुल भी बनोगे। सेल्फ डिसिप्लिन वो हैबिट है जो रिच लोगों को उनके काम हमेशा टाइम पे खत्म करके आगे बढ़ने में हेल्प करता है। सो हैबिट नंबर 2, रेपिटेशन का यूज करके आप भी अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन बनाओ। हैबिट नंबर 3, फीड योर माइंड विद मेंटल प्रोटीन।
हमारे बॉडी की तरह हमारे ब्रेन को भी अपने पीक परफॉर्मेंस पे काम करने के लिए एक प्रॉपर डाइट की जरूरत होती है। और यहाँ डाइट से मेरा मतलब खाने वाली चीजें नहीं है, बल्कि वो मेंटल चीजें हैं जिसे हमारा ब्रेन दिन भर कंज्यूम करता रहता है, जिसे नॉर्मली इंफॉर्मेशन या नॉलेज बोलते हैं। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपका ब्रेन आपको सक्सेसफुल, हैप्पी और आगे बढ़ाने के लिए काम करे, ना कि लेजी, सैड और अनसक्सेसफुल, तो आपको उसको हमेशा पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन और नॉलेज देते रहना चाहिए, ना कि नेगेटिव जो आजकल ज्यादातर मीडिया दे रही है। आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि फरारी, लैम्बोर्गिनी जैसी स्पोर्ट्स कार और सारे लग्जरी कार्स के एड टीवी पे नहीं आते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है जो लोग इन कार्स को खरीदने की कैपेबिलिटीज रखते हैं वो यूजुअली टीवी देखकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। मतलब वो लोग अपने दिमाग को अनहेल्दी डाइट जैसे मीडिया और टीवी पे दिखाए जाने वाली नेगेटिव और फालतू बातों से नहीं भरते। उन्हें पता होता है कि ये चीजें उन्हें लॉन्ग टर्म में कुछ भी फायदा नहीं देगी, बल्कि ये तो बस उनका टाइम कंज्यूम करके शायद उनमें नेगेटिविटी भी पैदा कर दे। इसीलिए एक सबसे कॉमन हैबिट जो ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता ही है और आपको भी श्योरली करता रहना चाहिए, वो ये है कि हमेशा अपने ब्रेन को पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन और नॉलेज का डाइट देते रहो। आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ को बेटर और अच्छा बनाना चाहते हो, जो कि सच में एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। वरना ज़्यादातर लोग YouTube बस एंटरटेनमेंट के लिए खुलते हैं, जो कि एकदम गलत भी नहीं है, पर अगेन ये चीज़ें बस जंक फूड जैसी होती है, जो कभी कभी के लिए तो ठीक है, लेकिन जिसे अगर हम ज़्यादा कंज्यूम करने लगेंगे तो ये हमारे ब्रेन को अनहेल्दी और नेगेटिव बना देगी, जिससे हमारे सक्सेसफुल होने के चांस भी कम हो जाएंगे। हैबिट नंबर 4, डेली गोल सेटिंग। अपने किसी भी गोल को पूरा करने के लिए हमारा अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। ऑथर कहते हैं कि अगर हमारी लाइफ एक सोलार सिस्टम जैसी है तो टाइम मैनेजमेंट हमारे लाइफ का सन है और बाकी सारी चीजें प्लैनेट्स हैं जो हमेशा उस सन के आजू बाजू घूमते रहेंगे। इसीलिए अगर हम अपने टाइम को मैनेज करना सीख जाते हैं तो फिर हमारे लिए हमारे गोल्स को पूरा करना भी बहुत ईजी हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट एग्जैक्टली कैसे करना चाहिए, इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना के रखा है, जिसे आपने नहीं देखा तो वो आप जरूर देखो। मैं उस वीडियो की लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी के लिए एक चीज जो आप कर सकते हो वो ये है कि हर दिन सोने से पहले ये डिसाइड करके लिस्ट बना लो कि कल आप अपने पूरे दिन में क्या क्या काम खत्म करोगे, और हर दिन उस लिस्ट में आप अपने एक गोल का कोई एक काम तो जरूर डालना जो आपको उस गोल को पूरा करने में आगे बढ़ाएगा। ये सिंपल हैबिट आपको धीरे धीरे बहुत आगे तक लेके जाएगी। हैबिट नंबर 5, हेल्थ ओरिएंटेशन। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच में एक डिफरेंस है जिसे मैंने बहुत बार नोटिस किया है। सक्सेसफुल लोग अपने हेल्थ पे बहुत ध्यान देते हैं, वो एक्सरसाइज, योगा और डाइट जैसी चीजें करते हैं, जबकि ज्यादातर अनसक्सेसफुल लोग अपनी हेल्थ पे जरा भी ध्यान नहीं देते। वो मेहनत से काम करने के चक्कर में अपनी हेल्थ की फिक्र करना ही भूल जाते हैं, जिससे होता यह है कि कुछ साल बाद उनकी हेल्थ खराब होने लगती है और फिर उन्हें अलग अलग बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती है। आपने देखा ही होगा कि कैसे आजकल ज्यादातर लोग बस डॉक्टर के चक्कर काटते रहते हैं, जो उनका टाइम भी वेस्ट करता है और पैसे भी। मतलब जिस चीज के लिए वो अपनी प्रेशियस हेल्थ खराब करते हैं, फिर वही चीज सबसे ज्यादा उन्हें अपनी हेल्थ को वापस सही करने में लग जाती है। मुझे भी पहले योगा, डाइट जैसी चीजें बस अमीरों के नखरे लगते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे ये बात रियलाइज हुई कि नहीं, एक्चुअल में ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम कितने भी पैसे कमा ले या कुछ भी अचीव कर ले, अगर हमारी हेल्थ ही सही नहीं रहेगी तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, फिर चाहे हम दुनिया के सबसे अच्छे बंगले में रहे या दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी में। सक्सेसफुल लोगों को ये बात अच्छे से पता होती है, इसीलिए वो लोग अपनी हेल्थ पर बहुत ध्यान देते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर वो हेल्दी रहेंगे तो सबसे पहली बात, इससे वो ज्यादा खुश रह पाएंगे, और दूसरी बात, इससे वो लोग अपना 100% दे पाएंगे, जिससे उन्हें बेस्ट रिजल्ट्स भी मिलेंगे और जो उन्हें आगे बढ़ाता रहेगा। इसीलिए मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस नए साल में आप लोग भी अपनी हेल्थ पर खास ध्यान दो। एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग बनाने के लिए, और योगा करना स्टार्ट करो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए। ये चीजें आपको अपना 100% देने में बहुत हेल्प करेगी और सक्सेसफुल भी बना देगी। ये बातें मैंने आपको द मिलियनर हैबिट बाय ब्रायन ट्रेसी बुक से बताई है। इस बुक में बहुत सी अच्छी हैबिट्स के बारे में बताया गया है जो हमें सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत हेल्प करेगा। सो अगर आपको वो सब डिटेल में सीखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो खरीद सकते हो। और अगर आप मेरे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप सब्सक्राइब करें और फिर मेरे चैनल के होम पे जाके उधर बने बेल पे क्लिक कर दे। इसके बाद सेंड ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करें। इससे जब भी मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी के लिए लाइक करें अगर आपको ये हैबिट्स काम के लगे। कमेंट करके बताएं आपको कौन सी हैबिट सबसे बेस्ट लगी। शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ।
सब्सक्राइब करें। मैं और ऐसी पॉजिटिव नॉलेज आपके साथ शेयर करता रहूंगा, यूजुअली हर वीक। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।